एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। अब किशोर कुमार का गाना नहीं सुनाएंगे आपको। यहाँ भूमाफिया बाराबंकी जो मैं रियल एस्टेट के भूमाफिया तने बढ़ गए की कारता है। सब बकायदा दाल गलाने में जुटे पड़े हैं और अधिकारी साहब भी कम नहीं है। वो कार्यालय में बैठ करके दाल गलाएंगे, वो सारा मामला रफा दफा कर देंगे, ठंडे बस्ते में डाल देंगे। बाराबंकी जिले में खूब अवैध पार्टी हो रही है, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नोटिस देख लो, ये बकायदा पेपर देख लो, ये कागज पत्र देख लो। बाराबंकी जिले में देख ले भैया, बहुत कहते देख लो, आंखें फाड़ फाड़ करके अवैध प्लाटिंग चल रही है। ना तो कार्रवाई हो रही है, ना डीएम साहब एक्शन ले रहे हैं। टिकर नगर से लेकर के दरियाबाद तक भूमाफियाओं का अवैध कारोबार फल फूल रहा। सुरक्षा के मानकों को दरकिनार कर दिया गया, बिना नक्शा पास कराई प्लाटिंग की जा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखों में काला चश्मा पहन लिया और जेसीबी को लकवा मार गया, ये लगता तेल खत्म हो गया। हैरान मत होइए, मामला तो प्रदेश बाराबंकी जिले के दरियाबाद से लेकर के भैया टिकर नगर पंचायत तक का, जहाँ पर देख लो भैया भूमाफिया लगातार अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में अगस्त के महीने में रामसने घाट के एसडीएम साहब ने नोटिस जारी की थी और तलब भी किया था। उसके बावजूद ना जाने भैया 3-4 महीने बीत गए, कहां मामला रफा दफा हो गया। ना जाने कौन से भैया ठंडे बस्ते में चिट्ठी चली गई या बकायदा पर्चा चला गया। फिलहाल टिकर नगर पंचायत की बात कर लेते हैं, जहां पर देख लो अवैध प्लाटिंग खुलेआम चल रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी की शिकायत बकायदा अधिवक्ता साहब ने भी किया, देखो भैया पूरा बकायदा चिट्ठा लिख करके ऊपर तक भेजा था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताइए ये तो तालाबों बेट डालेंगे, एप्लीकेशन में तो यही लिखा पड़ा था, देखो भैया ये सब बेट डालेंगे, तालाब की भी जमीन कब्जा कर डालेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब देखते हैं बाराबंकी जिले नए वाले डीएम साहब अविनाश कुमार जी कब एक्शन लेते हैं और कब कार्रवाई करते हैं। हमारा काम था दिखा देना, हमने आपको दिखा दिया। फिलहाल इस पर आपकी कारा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शम्मा सचू को बस से मिलेगी तो बात बनाएगी घस के। और देखो रियल एस्टेट के भैया भूम आप क्या था ने ठूस लेंगे पैसा, कहां ठूस के ले जाओगे, इनका बस चले तो बाराबंकी बैठ डाले। फिलहाल आपकी कारा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शम्मा हर इसी तरह खबर लगाते रहेंगे।